सब्सक्राइब करें हाउ टू यूट्यूब चैनल को, दबाएं इस बेल के आइकन को लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ फरीद और आप देख रहे हैं हाउ टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ज़बरदस्त कोड के बारे में। उस कोड को आप उस जगह यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपका कोई रिश्तेदार है वो अपने मोबाइल को सिक्योर रखता है और अपना सारा सारा डेटा जो है छुपा के रखता है और मतलब ऐप लॉकर वगैरह यूज़ करके अपने डेटा को सेव रखता है। नहीं, आज मैं आपको बताता हूँ कि इस कोड को आप यूज़ करके उसका सारा डेटा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सारा डेटा देख सकते हैं। तो चाहे जितना भी लॉक्स लगा ले अपने मोबाइल को, फिर भी वो आपसे बच नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसका आप जो है सारा डेटा देख पाएंगे अपने मोबाइल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के लोग हैं वो अपने मोबाइल को बहुत ज़्यादा सिक्योर रखते हैं और अपना डेटा सेफ रखने के लिए उसमें ऐप लॉकर यूज़ करते हैं, उसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और जो है तमाम पिक्चर्स वीडियोस वगैरह को जो है छुपा के रखते हैं किसी दूसरे की नज़रों से। तो आज जो मैं आपको कोड बताऊंगा, उस कोड को यूज़ करके आप जो है तमाम डेटा देख पाएंगे। तो इस वीडियो का ये भी एक मकसद है कि आप अपने मोबाइल को सेव कर सकते हैं, कि किसी दूसरे से कैसे सेव कर सकते हैं और अपना डेटा जो है महफूज कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड, अब इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है हाउ टू यूट्यूब के नाम से, आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाजमी लाइक करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे कम से कम 1000 लाइक्स चाहिए, तो प्लीज़ सारे जो है एक एक लाइक दें, इंशाल्लाह हमारे जो है 1000 लाइक्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब चलें अपना टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो आपने फ्रेंड्स क्या करना है कि अपना जो क्रोम ब्राउज़र है आपने उसमें जाना है, ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी ना हो तो फिर भी कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन ही ये तमाम चीज़ें देख पाएंगे। तो जैसा कि मैं इसको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूं और सर्च बार में यहां पे आपने लिखना है फाइल और इसके बाद जो दो डॉट्स होते हैं इस तरह, ठीक है, ये देखें दो डॉट्स हैं ये लगाने हैं और इसके बाद तीन स्लैश, ये देखें तीन दफ़ा स्लैश और इसके बाद आपने लिखना है SD कार्ड, ये देखें SD कार्ड लिखने के बाद आपने ये जो नीचे गो है आपने गो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारे फोल्डर यहाँ पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा सारा जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है और इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी MP3 वगैरह, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से एप्लीकेशन भी सारी आ चुकी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है एंड्रॉयड वगैरह, AZ स्क्रीन रिकॉर्डर, DCIM, डाउनलोड्स, मूवीज़। ये जैसे कि मैं ये डाउनलोड्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सारी एप्लीकेशंस हैं और इसके बाद कुछ वीडियोस हैं MP4, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब मैं बैक चलता हूँ और यहाँ से देख सकते हैं DCIM में जाता हूँ और यहाँ से मेरी पिक्चर जो है वो आ जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई पिक्चर जो है ओपन करता हूँ, ये देखें ये सारी पिक्चर हमारी आ चुकी हैं और यहाँ से आप बहुत सारा डेटा हासिल कर सकते हैं और तमाम पिक्चर्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, तमाम चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। चाहे जितना भी कोई लॉक लगा ले और जितना भी जो कुछ करे आप उसका डेटा देख सकते हैं। तो आपने अपना मोबाइल भी सेव रखना है, किसी को नहीं देना, इस तरह से आपका डेटा जो है वो हैक हो सकता है और आपकी तमाम पिक्चर्स वगैरह जा सकती हैं, किसी के पास वीडियोस जा सकती हैं जी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो लास्ट में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।